दोस्तों नमस्कार। हमारी छोटी छोटी वीडियो की श्रृंखला के तहत आप में से बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर तनाव महसूस हो रहा है, डिप्रेशन लग रहा है। मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम पे आपको हावी होना है, एग्जाम आप पे हावी नहीं होनी चाहिए। कदापि मत सोच लेना कि अभी आप हार रहे हैं, क्योंकि हारने का वक्त नहीं है, ये जीतने का वक्त है। एग्जाम कितनी भी नज़दीक आ जाए, कितना भी कम समय बचे, आप कर जाओगे। विश्वास अपने आप पे रखना है, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, उन टॉपिक्स को दिमाग में रखना है जहां से प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न हमेशा अपने जहन में रखना है और कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। याद रखना, ये आत्मचेतना, ये आत्मध्यान यदि आपका अपने ऊपर है कि मैं बेटर हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटे से बिंदु की मैं चर्चा करूँगा। एक तो बड़ा विवाद रहता है कि जब हम थोंडाइक के नियम पढ़ते हैं, थोंडाइक ने जो अपने नियम दिए थे वो अधिगम के सिद्धांत के आधार पे दिया। बहुत से बच्चों का प्रश्न होता है, सर थोंडाइक ने जो सिद्धांत दिया वो 1913 में दिया कि 1898 में दिया। थोंडाइक का सिद्धांत हमेशा याद रखना कि सिद्धांत की जब भी बात करेंगे आपको करना है 1898 ही करना है। ये दिमाग में ही नहीं आना चाहिए कि 1898 नहीं है, 1913 में इसने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया था 1898 के आधार पे। तो 1898 में इसने सिद्धांत दिया था और इसकी किताब का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस एक शोध पत्र था इसका। क्या था? एक शोध पत्र था जिसमें इसने रिसर्च पेपर में इसका प्रतिपादन किया और इसने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। ये पूरा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कभी अलग से वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं एक छोटे से बिंदु पर जिस पर चर्चा कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि सिद्धांत 1898 में प्रतिपादित कर दिया गया और यही उत्तर मानना है। स्कूल लेक्चर में ये प्रश्न आ चुका है और इसका उत्तर 1898 में ही माना गया है, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं करना है अवनी मनोविज्ञान के ऊपर। जो चीज़ें मैंने डाली हैं ऑथेंटिक डाली हैं। एक नियम के ऊपर बड़ा विवाद रहता है कि सर ये संतुष्टि, कोई कार्य करने के उपरांत संतुष्टि मिलती है, उसे सीख लिया जाता है, कौन सा नियम है? तो मैं तत्परता के नियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा विवाद है और इस विवाद की मैं चर्चा करूँगा। देखिए, थोंडाइक ने जब तत्परता का नियम दिया, तत्परता का मतलब क्या है? रेडीनेस। क्या है? रेडीनेस। अब रेडीनेस का मतलब क्या है? मैं कोई भी कार्य को करने के लिए यदि तैयार हूं तो करना सीख जाऊंगा और तैयार नहीं हूं तो नहीं सीखूंगा। कौन सा नियम कहता है? तत्परता का नियम। सबसे पहले जब अध्यापक क्लास में आता है, सबसे पहले कौन से नियम का प्रयोग करता है? लॉ ऑफ रेडीनेस। मतलब कि कोई जबरदस्ती नहीं सिखा सकता। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर यहां से सिलेक्शन होंगे, यहां से सिलेक्शन होंगे। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसमें नियत होगी, जिस बच्चे में चाहत होगी वही बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा। दुनिया की कोई ताकत किसी बच्चे को सिलेक्ट नहीं बना सकती जब तक वो खुद नहीं चाह सकता। ये तत्परता का नियम कहता है कि मैं तैयार हूं तो सीख जाऊंगा, तैयार नहीं हूं तो नहीं सीखूंगा। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया था कि घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। घोड़ा नहीं चाह रहा, जैसे आप नहीं चाह रहे तो धीर सर भी मोटिवेट नहीं कर सकते। जब तक आप चाहोगे नहीं कि मुझे वास्तव में रिट में टॉप करना है, मैं करूंगा, 100% कर जाओगे। लेकिन यदि आप बेमन से कर रहे हो, उलझे हुए हो, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज, अलग अलग ऑफलाइन कोर्सेज, अलग अलग नोट्सों के चक्कर में, अलग अलग किताबों के चक्कर में, अलग अलग वैक्सीन के चक्कर में, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बना सकती जब तक आप अपना सेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे। तो तत्परता का नियम ये कहता है कि यदि मैं तैयार हूँ तो मैं पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित करूंगा और उसको करने के बाद मुझे जो संतोष मिलता है, ये अब विवाद यहाँ क्या बन रहा है कि मैंने कहा कि घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाद में नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये चाह नहीं रहा। लेकिन यदि घोड़ा प्यासा होता और इसको दूर से लेके जाते, क्या आप इसको रोक पाते? जब इसकी इच्छा हो जाती कि मुझे पानी पीना है, साहब ये दौड़ के आएगा और ये पानी पिएगा, आपकी औकात नहीं कि आप इस घोड़े को रोक सकें। मैं क्या कह रहा हूँ, सिलेक्शन होता नहीं है, सिलेक्शन को छीना जाता है। 15 लाख के मुंह से छीन के लाना पड़ेगा, जिस बच्चे में क्या होगी? तत्परता होगी। तो तत्परता के नियम का मतलब यही है कि रुचि उत्पन्न करने में, ध्यान केंद्रित करने में और जिज्ञासा जागृत करने में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। अब विवाद का विषय क्या हुआ कि इसने 1930 में जब अपने नियम में संशोधन किया, इसने तीनों नियमों में संशोधन किया था, याद रखना, और संशोधन के बाद इसने दो चीज़ें शामिल कर दी इस नियम में। क्या क्या शामिल कर दिया? एक तो संतोष और एक शब्द यूज किया इसने खींच, कि यदि आप कोई कार्य को करने के लिए तैयार हैं और उसको कर लेते हैं तो आप में कौन सा भाव आएगा? संतोष। और यदि कोई कार्य को करने के लिए तैयार हैं और उसको नहीं करते हैं तो कौन सा भाव आएगा? खींच, कि यार मैंने किया क्यों नहीं, मैं तैयार तो था रिट की तैयारी करने के लिए लेकिन फिर मैंने तैयारी क्यों नहीं की, तो खींच है।
और आप उसको तैयार कर लोगे, रिट को अच्छे से कर लोगे, तैयार भी हैं और कर भी लेते हैं तो संतोष का भाव आएगा। इसलिए संतोष और खीज को इसने 1930 के संशोधन में किस में शामिल किया, तत्परता के नियम में। यद्यपि जो प्रभाव का नियम कहता है, जिस पे स्किनर का अधिगम सिद्धांत आधारित है, वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि कार्य के परिणाम के उपरांत यदि परिणाम अच्छा आता तो उस कार्य को बार बार करते हैं। लेकिन चूंकि संतुष्टि को इसने 1930 में इसमें शामिल कर लिया, इसलिए विवाद का विषय बन गया। स्कूल लेक्चर में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो तत्परता का नियम ही माना गया, रखना। इसलिए फिलहाल स्थिति यही है कि आपको यह करना है। दूसरा नियम जो अभ्यास का नियम है, मैंने पहले भी वीडियो डाला था, अभ्यास का नियम ये कहता है कि कोई भी क्रिया कार्य को बार बार करो और बार बार करोगे तो करना सीख जाओगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, मैंने पहले भी कहा है एक किताब को 20 बार पढ़ो, 100% सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन जिस दिन आप 20 किताबों के चक्कर में पड़ गए, जिस दिन आप 5 किताबों के चक्कर में पड़ गए, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। एक बेहतरीन किताब चुनिए और उसको बार बार कीजिए। कौन सा नियम कहता है? अभ्यास का नियम। कौन सा नियम कहता है? अभ्यास का नियम। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है कि कार्य को बार बार करेंगे और बार बार करेंगे तो करना सीख जाएंगे। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन 999 प्रयोग करने के बाद असफल होने के बाद वो सफल हो गए, मतलब ये अभ्यास है। इसके दो पार्ट होते हैं, उपयोग और अनुपयोग। उपयोग का मतलब सीखे गए कार्य का प्रयोग करता हूं तो उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध मजबूत बन जाता है। अनुपयोग का मतलब होता है सीखे गए कार्य का प्रयोग ना करने पर मुझसे भूल जाता हूं। और प्रभाव का नियम ये कहता है परिणाम अच्छा आएगा तो मैं करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। प्रशंसा, पुरस्कार और दंड को इसने प्रभाव के नियम में शामिल किया था, लेकिन 1930 के संशोधन के बाद इसने ये कह दिया कि प्रशंसा, पुरस्कार, दंड की अपेक्षा ज्यादा प्रभावकारी है। यद्यपि दंड भी अच्छा है लेकिन पुरस्कार प्रशंसा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही इसने 1930 के नियम में संशोधन किया था अभ्यास के नियम में। पहले इसने ये कहा था कि अभ्यास का नियम कुछ भी सिखा सकता है, बाद में कहा कि अभ्यास के नियम का प्रयोग हम सरल अनुक्रियाओं में करेंगे, जटिल अनुक्रियाओं में नहीं कर सकते। तो ये थॉर्नडाइक के 3 नियमों की जो कि विवाद का विषय रहता है उसको मैंने सुलझाने की कोशिश की है कि तत्परता के नियम में याद रखना कि संतोष व खीज को भी इसने शामिल कर लिया। कौन संशोधन के बाद? 1930 के संशोधन के बाद। तो तत्परता का नियम क्या कहता है? मैं तैयार हूं तो सीख जाऊंगा और तैयार नहीं हूं तो कोई नहीं सिखा सकता। जैसे घर वाले आपको सिर्फ कह सकते हैं कि बेटा तैयारी कर लो, ये रीट की भर्ती लास्ट भर्ती, इसके बाद नहीं आएगी। लेकिन जब तक आप अपने मन से नहीं चाहोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। तत्परता का नियम कहता है मैं चाहता हूं तो सीख जाऊंगा और नहीं चाहता तो नहीं सीख पाऊंगा। तो ये तत्परता के नियम का विवाद सुलझाया मैंने, अभ्यास के नियम की थोड़ी चर्चा की और प्रभाव के नियम की चर्चा की। प्रभाव का नियम स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपके काम आएगा। धन्यवाद।